और अब खबर जोधपुर से है, जहां 11 साल बाद आसाराम 7 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकलेंगे और इलाज के लिए 7 दिनों की पैरोल अर्जी स्वीकार की है। हाई कोर्ट ने आसाराम की पैरोल अर्जी जो है वो स्वीकार करते हुए उन्हें इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी है। आसाराम महाराष्ट्र के पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे। आसाराम को 9 अगस्त को तबियत बिगड़ने पर जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2013 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस दौरान आसाराम की तरफ से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इलाज के लिए जमानत और पैरोल के लिए याचिकाएं पेश की गई थी, लेकिन आसाराम को राहत नहीं मिली थी। और इससे पहले आसाराम को जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले जाया गया था और इस दौरान आसाराम पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां आसाराम ने पुणे के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज करवाया था। तो आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने इलाज के लिए पैरोल दी है। जैसलमेर के पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक